नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ खास किस्म के इस एलईडी बल्ब की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसी की अनबॉक्सिंग जो है आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे, और आप लोग को बताने वाला हूँ कि इस बल्ब में क्या चीज़ खास होने वाली है और क्या क्या चीज़ें हमें बॉक्स के अंदर इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकिंग के साथ में आता है ये एलईडी बल्ब। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है ब्लूटूथ म्यूजिक बल्ब। दोस्तों, आप लोग को बताने वाला हूँ कि इस बल्ब में जो है म्यूजिक भी आप लोग बजा सकते हैं दोस्तों। और इस साइड देखेंगे तो दोस्तों काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इसके बारे में कि कौन सा ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, और एलईडी लाइट इंडिकेटर से लेकर सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, इस साइड से आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को इसके अंदर एक रिमोट भी देखने को मिलेगा जिससे आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे, इसकी लाइट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। आप जिस तरीके की रंग की लाइट इसमें जलाना चाहते हैं वो भी आप इसमें जला पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं अपने एलईडी बल्ब को। सो यहाँ पर दोस्तों, सबसे ऊपर यहाँ पर हमें एलईडी बल्ब रखा हुआ मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, तो काफ़ी बड़ा एलईडी बल्ब है। और दोस्तों, रिमोट जो है यहाँ साइड में गिर गया, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके साथ ये रिमोट मिलता है और बॉक्स के अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, ये रहा हमारा एलईडी बल्ब। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ा एलईडी बल्ब है। और यहाँ पर आप लोगों को स्पीकर लगा हुआ मिलता है दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्पीकर लग रहा है। कैसी आवाज़ आएगी दोस्तों, वो तो अभी हम लगा के चेक करेंगे कि इसका आउटपुट जो है कैसा है। बट फिलहाल के लिए आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बल्ब जो है काफ़ी बड़ा है, और इसकी ब्राइटनेस भी चेक करेंगे कितनी ब्राइट जो है ये बल्ब होता है। और बात करो दोस्तों वेट की, तो हल्का फुल्का जो नॉर्मल बल्ब है उससे इसका ज़्यादा वेट है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रिमोट की। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको रिमोट मिलता है कुछ इस तरीके का यहाँ पर रिमोट है प्लास्टिक का। इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है दोस्तों, बहुत ही चीप क्वालिटी का रिमोट है दोस्तों। बट ये लाइट चेंज करने के काम आएगा और कुछ भी नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितने भी कलर्स के यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं इससे आप लाइट को चेंज कर पाएंगे दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं रेड ग्रीन ब्लू ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप अपने बल्ब के लाइट्स को, अपने जो कलर है उसका, वो आप चेंज कर पाएंगे। और ऑन ऑफ का स्विच भी दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। और नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं प्ले पॉज का बटन भी है, और नेक्स्ट और प्रीवियस का भी आपको बटन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं इतने छोटे से बल्ब में दोस्तों, और काफ़ी कम प्राइस रेंज में आप लोग को मिलता है ये दोस्तों। ये अराउंड आपको 350 के अराउंड आपको मिल जाएगा, कहीं पर भी आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं अगर आप लोग भी ऐसा ये बल्ब जो है लगाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम फिट करते हैं अपने रूम में, और उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसी क्वालिटी इसकी रहती है और क्या ब्राइटनेस है इस बल्ब की, और हम लोग म्यूज़िक का जो आउटपुट है वो भी चेक करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, ये रहा हमारा बल्ब। अब हम इसको अपने सॉकेट में यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पर इसको ऐसे करके सॉकेट में यहाँ पर लगा देना है, और इसका जो स्विच है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्विच है। अभी हम इसको ऑन करेंगे, और उससे पहले मैं आप लोगों को इसका रिमोट दिखा देता हूं दोस्तों। यहां पर मैंने ये रहा इसका रिमोट, इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया। यहां पर आपको बैटरी के नीचे एक स्लिप मिलेगी, उसको आपको निकाल लेना है, तब जो है आपका ये रिमोट जो है वर्क करेगा। तो अब हम इसको करते हैं फटाफट से ऑन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, और ऑन करते ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जल चुका है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और इसमें से दोस्तों हमें एक साउंड भी सुनाई दी है। तो दोस्तों, अभी जो है ये पेयरिंग मोड में है, और आप लोगों को मैं कनेक्ट करके इसकी साउंड का आउटपुट भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर लाइट को ऑफ कर देता हूँ। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ब्राइटनेस जो अगर आप लोग देखेंगे तो पूरे रूम की में मतलब काफी अच्छी ब्राइटनेस है इसकी। आप लोग आराम से जो है विजिबल है हर चीज यहाँ पर रूम में, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों इसका कलर चेंज करने। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको बहुत सारे कलर्स के यहाँ पर बटन मिल जाते हैं, तो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं इसको रेड कलर चेंज करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैंने रेड वाला बटन दबाया, और आप लोग देख सकते हैं इसका जो कलर है रेड हो चुका है। अब दोस्तों और मैं बदल के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने ग्रीन किया, उसके बाद ब्लू किया दोस्तों, और यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं, आप यहाँ से इसको बदल सकते हैं। सो दोस्तों, काफ़ी कमाल का लगता है। और इसके अंदर आपको एक फ्लैश मोड भी मिलता है दोस्तों, तो जिसको आप अगर कहें तो डिस्को लाइट की तरह भी बोल सकते हैं। तो अब मैं फ्लैश मोड को यहाँ पर ऑन करने वाला हूँ दोस्तों। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी फ्लैश मोड को मैंने ऑन किया, तो इस तरीके के यहाँ पर आपको डिस्को लाइट जलते हुए दिखेगी। तो अब फटाफट से मैं दोस्तों इसको फोन के साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका साउंड आउटपुट कैसा है।
सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन है और हमने जो अपने बल्ब को है यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर जो नेम हमें शो हो रहा है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं JZ01 यहाँ पर हमें शो हो रहा है और ये अभी यहाँ पर कनेक्टेड है इन यूज़ में दोस्तों आ रहा है। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ और कुछ YouTube से यहाँ पर अभी हम सॉन्ग को प्ले करेंगे, उसके बाद आप लोग को इसका साउंड आउटपुट मैं सुनाता हूँ दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब की तरफ अभी ये जो है डिस्को मोड में है तो इसको मैं वाइट कलर की लाइट में भी शिफ्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो इसको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने वाइट कलर की लाइट में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है और अब मैं जल्दी से एक सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ। सो दोस्तों अब मैं प्ले करने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम एकदम मैंने फुल रखी है और प्ले करके अब आपको इसका साउंड आउटपुट सुनाता हूँ। सो दोस्तों आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अगर आप लोग एक रूम में बजाएंगे तो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी यहां पर साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। एक छोटे से रूम के लिए काफ़ी अच्छा बल्ब है दोस्तों, आप लोग भी इसको परचेज कर सकते हैं, आप लोगों को ऑनलाइन जो है मिल जाएगा। बाकी जो मैं इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफ़ी अच्छा बल्ब है, आप लोग परचेज कर सकते हैं अगर आप लोग हर अलग अलग लाइट का यहाँ पर बल्ब जलाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में हमें मिल जाता है। अच्छा सा रिमोट भी यहाँ पर हमें दोस्तों दिया गया है। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हुई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियोज़ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।